अच्छा ये बताओ, आप शरीर को सुंदर बनाओ तो कितने दिन तक ये बढ़िया रहेगा? चार चीजें कभी एक सी नहीं रहती। संपत्ति, सत्ता और सुंदरता, तीन चीजें कभी एक सी नहीं रहती। ना तो सत्ता कभी एक सी रहती, बदलती है, चढ़ती उतरती है, ना तो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ना तो सुंदरता आपकी एक सी रहेगी। जवानी की सुंदरता बुढ़ापे तक रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। तो शरीर की सुंदरता तो ढल जाएगी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए शरीर को कितना भी सजाओ, एक दिन ये लापकलौआ हो जाता है, चमड़ी झूला झूलने लग जाती है, हाँ या ना, ढीला पड़ जाता है शरीर। इसलिए शरीर को क्या सवारना, शरीर को क्या सुधारना, ये तो राख की ढेरी है, आज नहीं तो कल ये मुट्ठी भर राख ही तो बनेगा। इसलिए इसे क्या सजाना, सजाना ही है तो तन को क्या सजाना, तन तो नश्वर है, मन को सजाओ। मीराबाई ने तन को नहीं सजाया, मन को सजा लिया तो सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। और जिन्होंने तन को सजाया उन्हें बताओ कौन जान रहा है। एक से एक सुंदर लोग संसार में आए और चले गए, कौन उनका सम्मान कर रहा है, कौन उनका आदर कर रहा है? सुंदर तन वाले के पास कोई नहीं जा रहा है। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो समय बीत गया, जो कल के सुंदरता, जो कल के सुंदर थे वो आज के कुरूप हो चुके हैं। आप पुराने सारे हीरो हीरोइन को उठाकर देख लो, जो कल तक अपनी सुंदरता पर घमंड करते थे आज उनकी चमड़ी लटक रही है, सारी सुंदरता समाप्त हो गई। जितने सुंदर थे उतने कुरूप हो चुके हैं। तो ये शरीर का धर्म है स्वरूप होना, कुरूप में परिवर्तित हो जाना, लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। इसलिए तन को सजाना समझदारी नहीं है। तन की सुंदरता अखंड नहीं रहेगी पर मन की सुंदरता अखंड रहेगी। इसलिए तन संसार के लोगों को रिझाता है, मन भगवान को रिझाता। यदि ये रिझ गए तो फिर किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है ना मैया, यदि ये रिझ गए तो फिर किसी को रिझाने की जरूरत। इसलिए भक्त लोग संत लोग किसे रिझाते हैं, जोर से, भगवान को। और आप लोग किसे रिझाते हैं, है ना?